चलान बढ़ जाना है, ऐसे ही है सैफ भाई। बिल्कुल, और चलान जब बड़ा ना तो नहीं लगता है, तेरा काम ही लगता है फिर। अच्छा उसका था बैठा जाता है शौका, बस शौका से ना पूछो उठे पास छाड़ आए। ए रोड किधर जाता है, गलत आ गया। हां मां मामू वाले। तो हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। गाइज पिकअप और सैफल भाई को देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहीं दूर यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम जा रहे हैं गंदम लेने पूरी गर्मियों में खाने के लिए। तो पुप्पो का कुछ सामान था, पिकअप खाली जा रही थी, तो इस वजह से सोच रहे थे ये भी साथ लेते। पापा हेल्प कर रहे हैं सामान वगैरह उठवाने में, अभी ज़रा हेल्प कर लूँ, फिर ज़रा दोबारा से इंट्रो करते। A few moments later. प्राइस शिफ्टिंग मुकम्मल कर हो गई, लेकिन मेरा एक नुकसान हो गया। कौन सा नुकसान? आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं दूसरे हाथ से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये देखें, एक हाथ पे बहुत गंदी किस्म की चोट लग गई है बेड उठाते हुए, बढ़ गया प्रोग्राम। अरे सैफल भाई अपना जुगाड़ सारा कर रहे हैं, तो देखते हैं मोटरवे वाले हमारे हमें बख्शते हैं या नहीं। वो सोए होते हैं या जाग रहे हैं, नहीं तो हमारा चलान बढ़ जाना है, ऐसे ही है सैफल भाई। बिल्कुल, और चलान जब बढ़ा ना तो उन्होंने मोटरवे से भी उतार देना शायद, मुझे लग रहा है खा के फेंकना उन्होंने नीचे। तो गाइस अभी हम बस रवाना होने लगे हैं, यहाँ से गाड़ी हो गई है फुल, और गाड़ी ये है, इसका नंबर तो नहीं बता सकते ताकि आप हमें ट्रेस करके हमसे ऑटोग्राफ ना मांगने आ जाए, सेल्फी है आना देने का। क्या बोला तूने? तो मुझे पता है कि हमारी इतनी फैन फॉलोइंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिल में जो होती है ना खुशी वो बता। दोबारा रवाना होने लगे हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप। A few moments later. हाँ जी, नहीं जाके पठाने चौक तो अगर बल्लो आने तो ही सड़क निकल। अच्छा अच्छा, मेहरबानी। हाँ तू इंजी जाना है। अच्छा अच्छा, चल भाई चल, सीधा होने लग गया पिंड, पता नहीं। One eternity later. So guys, finally हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। लोगों से पूछते पूछाते ड्राइवर साहब ने बहुत अच्छी ड्राइविंग करके हमें मैक्सिमम भी 1.5 से 2 घंटे के अंदर पहुंचा दिया। तो सैफल भाई की बहुत बहुत मेहरबानी हमें इतनी जल्दी लेकर आए, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, नींद भी आ रही थी, और सामान माशाल्लाह से बच गया, लेकिन थोड़ा बहुत गीला हो गया। और माशाल्लाह हमारे साथ और भी साथी हैं, बकरियां शकरियां चाहे। हाँ, ये इन्हें को पूछिए जरा की हाल है। ठीक हो? चल जा भैन जी का काम कर जाके। अच्छा। A few moments later. तो गाइस पुप्पो के घर हम आए थे, लेकिन पुप्पो घर पे नहीं है, तो ये दोबारा मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले में मैं बहुत ज़्यादा काला आ रहा था, नज़र नहीं आ रहा था। तो जब मैं नज़र नहीं आऊँगा, मेरी आवाज़ नहीं समझ आएगी, तो कोई मज़ा नहीं आएगा। सैफल भाई थक हार के बैठ गए हैं, बड़ी लंबी ड्राइविंग की है इन्होंने। ओए होए, कोई नहीं, अभी और भी ड्राइविंग करनी है। ये रोड देख रहे हैं ना आप कितना गंदा है, ये मैक्सिमम भी आगे 30 से 40 किलोमीटर इतना चलना है, और कितना टाइम लगेगा हमें मैक्सिमम? काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, 3 घंटे तो पक्के ही हैं। हाँ मतलब प्रोग्राम बढ़ेगा हमारा, बहुत हाई लेवल का बढ़ेगा। तो सामान आप लोग देख सकते हैं, इसी सामान के साथ हमने तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर तक आगे जाना है, और पता नहीं कैसे जाना है आगे। इसी रोड पे तकरीबन थोड़ी देर चले हैं, तो सामान ने कहा कि अल्लाह हाफिज़, पीछे डिग जाना सी सामान। चलो कोई नहीं, फिर भी लेके जाएंगे, बस पुप्पो का इंतज़ार हो रहा है, नाश्ता करिए, चलिए इधर में मामू कंजन आपको
ब्यूटी भी साथ साथ दिखाते रहेंगे गांव की और गांव के लोगों की लैंग्वेज के बारे में भी आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों ने साथ साथ करते रहना, और सैफल भाई को भी लाइक और सब्सक्राइब आपने ठोकना है, चाहे उनका चैनल नहीं है, चाहे उनका चैनल नहीं भी है, फिर भी आपने लाइक और सब्सक्राइब उनको करना है, कहीं पर भी करना है, इधर ही कर दो, इसी चैनल पर यार करो, इधर ही, हाँ इधर ही, ये लाल बटन को दबाओ जल्दी। One eternity later. So guys, चाय पानी पी के हम लोग जरा वेले छेले हो गए हैं, अभी भी भूख थोड़ी बहुत लग रही है। तो ब्लॉग हम जाएंगे दूसरी जगह पे, वहाँ पे ये जो साथ हम ले गए हैं पटेंडर, इसको उतारेंगे और सैफल भाई ड्राइव करेंगे। मैं तो दिल किया तो मैं खुद भी ड्राइव करने लग जाऊँगा, क्योंकि आपके भाई को सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी आती है, इसको हम ऑटोमेटिक कर देंगे इंशाल्लाह। A few moments later. Oh, है ना? ਫਿਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੌਕਾ ਤਾਂ ਮਠਾ ਜਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ੌਕਾ, ਬਸ ਸ਼ੌਕਾ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰ ਲੈ ਖੜਾ ਹੋ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਆਹੋ ਕੁਛ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਪਿੰਡ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ। A few moments later. Oh, Varyam ka cha kedi passe? Varyam ka cha? Ah. Utthe passe chhade aaye. Hey, road kithe janda hai? Galat aa gaya. Ha, maa, mamu walle. Te mamu hi jana hai aur ki hai. Tusi aakhya Varyam ke ja. Te oh koi gaya Kolkata hai, te oh ghumda. Aise ta mamu kan jan janda hai. Ah, sidhi patti jasi. Ha. पुप्पो का सामान उतार गए, और यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा, खज्जल खुआरी, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। सैफल भैया जी, प्रोग्राम बढ़ गया? आहो बिल्कुल बढ़ गया। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, एसी भी नहीं है क्या डब्बे च, बड़ी गल। चलो पानी पुनी पी के निकलने हैं इतों, फिर थोड़ी बहुत हवा लगेगी एसी दे वजह से, फिर जरा चिल मोल होंगे, फिर ब्लॉग बनावा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस फाइनली हम लोग कनक वाली जगह पे पहुंच चुके हैं, और हमारी गाड़ी फसलों के अंदर खड़ी है यार, लेवल हो गया, आगे ना रोड है ना कुछ, यहाँ पे आगे पाकिस्तान की सर ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ, अपने चाचू से मिलने, और मुझे कॉल आ रही है बगैरत की तोहीद की, तो इसको हम कट करके हम अपने रास्ते पे गामजन हैं, और चलते हैं अपने चाचू से मिलने, उनसे कनक शनक की बात करते हैं और उसमें रखते हैं, और चलते हैं घर। भाई गाँव का माहौल अच्छे मौसम में, सर्दियों में अच्छा है, उसके अलावा गर्मी में यहाँ क्या है फैसल भाई, इतने जबरदस्त आखिरी माहौल है, तुसा चेक कर लो तो आपको सुकून आसी सुकून आसी, लेकिन गर्मी च कदी ना आना यार, गर्मी दे विच बहुत ज्यादा आत्मा रुल जांदी आत्मा, ते
इस टाइम बुरा हाल हो गया। ओके ओके। पापा गिरने लगे थे। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं फैमिली के अंदर, तो अब हम लोग ये कैमरा नहीं ऑन कर सकते क्योंकि बंदा अच्छा नहीं लगता, तो चलो मिलते हैं बाद में। One eternity later. Finally, हम लोग अपना काम निपटा कर आ गए हैं। वो पीछे की पिकअप आ रही है जिसके अंदर गंदम है, और ये मुझे सराहना मेरी दादियों से मुझे मिला है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। मुझे मतलब मैं तकरीबन काफ़ी 10 से 11 साल बाद आया था, तो ये मुझे उनकी तरफ से गिफ्ट मिला है। तो गाइस सैफल बलोच भाई, ओए होए तोड़े रख रख के चक्कर आ रहे ऐसे ही है, अंदरों बाहरों आ गए ने दंद, ऐसे दंद बाहर आ गए ने चक्कर करना। वाह जी वाह, ओए होए बड़ी गर्मी है ना पूछो। की एंडिंग आज हम नए बंदे से करवाएंगे, तो आपने उसके कहने पर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चल व्लॉग दी एंडिंग कर रहे हैं व्लॉग एंडिंग की है। तो गाइस इसके कहने पर लाइक और सब्सक्राइब करके मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।